हमें तो आसपास लोगों से यही पता चलता है, साला वो अनपढ़ जाहिल गवार आया था बाहर से, उसको सिर्फ कुरान के अलावा कुछ आता ही नहीं था। उस शुरू कर दिया मंदिर जलाना। कहते हैं लोग यहाँ पे कि छो छो महीना तक यहाँ का लाइब्रेरी जलता रहा। मतलब कि साला इतना हरामी आदमी चुतियापन किया हो भोसड़े को, उसको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। करते जाते जा भोसड़े का चाचा तो पगला गया था। वो आया यहाँ पे मतलब कि जलाना शुरू कर दिया, बहुत दिन तक जलते रहा लाइब्रेरी यहाँ पे। कहते हैं छो छो महीना तक जलता है, सोचिए कितना मैंने बुक रहा होगा यहाँ पे, उसको जला दिया। मतलब वो मतलब क्या समझता था, उसको कुछ आता नहीं था, खत्म आदमी था वो। अच्छा, उसके नाम पे यहाँ पास में एक शहर है बख्तियारपुर, तो क्या ऐसे लोगों के नाम पे शहर बसाए जाते हैं? आपको कैसा लगता है? नहीं ऐसा तो उसको तो हटा देना चाहिए। सही पता नहीं क्या करे सरकार, उसको तो ख़त्म ही कर देना चाहिए। क्या मतलब जो नालंदा यूनिवर्सिटी को जला सकता है, उसका नाम पे कोई जगह का नाम क्यों रखा जाए, मतलब समझ नहीं आता, पता नहीं। नीतीश कुमार जी, क्या गृह जनपद वही है, वो बख्तियारपुर से ही आते हैं, तो आप नीतीश कुमार जी से कुछ कहना चाहेंगे, वो सीएम है, नाम परिवर्तित करें उसका? हाँ, हम तो नीतीश कुमार से अगर ये नीतीश कुमार से तो हम कहना जरूर चाहेंगे कि उन्होंने ऐसा आदमी के नाम पर किसी अच्छे जगह का नाम क्यों रखा, जो नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया है, उसको चेंज करना चाहिए। पापा मम्मी सब बताते थे ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी रहा करता था, यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से पढ़ने आते थे, तो इस सब से बहुत बढ़िया स्थल था। वो साला पागल था जो मतलब जला दिया, मतलब पता नहीं उसको क्या हुआ, और मतलब कुछ विध्वंस करना चाहा और मैंने कर दिया। भारत में भारत को पीछे करना चाहा, वहीं शुरुआत हो गया, और फिर प्लस में बिहार का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तुम कह रहे हो वो भारत को पीछे करना चाहता था, लेकिन भारत के एक बहुत बड़ा जो समुदाय है वो ये मानता है कि वो यहाँ शासन करने आए थे, यहाँ अपना शासन बहुत अच्छे से सब चीज़ें करना चाहते थे, तो तुम उसे किस रूप में देखते हो, क्या उन्हें ऐसे स्थापित करना चाहिए? अगर वो चाहते भी थे तो मतलब उनका तो मेन उद्देश्य तो यही रहा होगा, इसलिए तो हमें लगता है कि उन्होंने थोड़ा डिस्ट्रॉय किए हैं, अपना राज बैठाना चाहें सब। आप देख रहे थे TFP न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए। सभी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thefourthplot.in को विजिट कीजिए, और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए TFP न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।